अच्छा कुकर जानबूझ के नहीं बंद करती, सीटियां बड़ी इंजॉय करती, चलो कोई तो मार रहा है। अगला आज तूने कहा नहीं मेरे दादाजी बड़े बहुत बड़े हॉकी हैं। वो हॉकी नहीं, हॉकी प्लेयर थे। और पता है ध्यानचंद जी ने खुद अपनी हॉकी उन्हें दी थी। ये भी तो बता कहां दी थी, इधर दी थी उन्होंने। हट। तुम्हें क्या तकलीफ है मेरे खानदान से, बोलो क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारा मुंह बिगाड़ दिया ना उन्होंने। मुझे नहीं बात करनी तुमसे, तुम फालतू में खामखा बात बिगाड़ देते हो। दीदी अच्छा सरला बात तो सुन, इधर तबीयत ठीक नहीं सरला की, इधर कम है क्या? अरे बैठ, अरे छोटे चूजे। तबीयत ठीक नहीं है बच्चे की, शाबाश। मैं जाऊं? जा, अंडे की पीली जर्दी जा। यार चुप तो रुको, मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ। पाजी आप में से कितने लोग हैं जो पुलिस में हैं? इसे छोड़ के सब पुलिस वाले ही। अच्छा तो आपका इंटरेस्ट किस में है? मैं बीपीसीएल में। अरे जितने प्लेयर्स हैं वो तो चलो पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, जो रेफरी होते हैं, जो सीटी बजाते रहते हैं, इशारे भी करते हैं, उनको फिर ट्रैफिक पुलिस में रखते हैं। हमारे एक इंटरनेशनल अंपायर हैं। अच्छा जी। वो पुलिस की जॉब करते हैं, आई थिंक वर्ल्ड के जो टॉप 6 or 8 अंपायर हैं उनमें वो आते हैं। अच्छा जी। तो ये बड़े ही प्राउड की बात है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, पंजाब के लिए। मैं आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप फटाफट बताइएगा। जब मैच खेलने इंडिया से बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा लड़कियों पे ध्यान किसका रहता है? कहीं देखने की जरूरत नहीं है। कैप्टन भैया को लगता है? हाँ। शरारती तो है। जुराबों में सबसे ज्यादा स्मेल किसकी आती है? क्यों ऐसे की मोटी जुराबे पहनते हो? हाँ जी उतारते नहीं, एक एक हफ्ता सेम ही धोते नहीं भाई। भाई टाइम ही नहीं होता ना, प्रैक्टिस करके आए, खाया पिया वैसे ही सो गए, सुबह उठे खाया पिया वैसे ही चल दिए। सबसे ज्यादा सोता कौन है? कहीं और देखने की जरूरत नहीं भाई। है भाई किससे सपने देखते हो? नहीं नहीं भाई, जैसे जैसे एज बढ़ रही है अभी अगर आपको अच्छा खेलना है तो मेरे ख्याल से रिकवरी सोना जरूरी है। चलिए अच्छी बात है। वॉशरूम में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? ध्यान से देखिए। है कैप्टन? भाई ज्यादा टाइम लग जाता थोड़ा सा। क्या क्रिएटिविटी ऐसी होती है बाथरूम में? पर अगर बिना फोन के गया ना तो फिर थोड़ा कम लगता है, अगर फोन के साथ जाता है तो ज्यादा लग जाता है भाई। फैक्ट एक्चुअली बंदा ईमानदार है। अच्छा चक दे इंडिया आप सबने देखी है, उसमें शाहरुख खान जो होते हैं वो कोच का किरदार निभा रहे होते हैं, बड़ा उनका पॉपुलर डायलॉग था एक, 70 मिनट है तुम्हारे पास। भाजी आप तो असली टीम के कोच हो, मैं चाहता हूँ आज आपके मुंह से वो डायलॉग सुने भाजी। हाँ जी हाँ जी प्लीज। हाँ हॉकी भी दे दीजिए, हॉकी है। हाँ हाँ बजट है हमारा। आज देखते हैं असली कोच का स्टाइल कैसा है। सत्तर मिनट हैं आपके पास, शायद आपकी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज आप चाहे अच्छा खेलो चाहे बुरा खेलो, ये 70 मिनट आपको हमेशा याद रहेंगे और जिंदगी भर याद रहेंगे। आज मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप कैसे खेलेंगे, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जाओ जी भर के खेलो, क्योंकि आज के बाद ये 70 मिनट आपकी जिंदगी में से आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्या बात है, इतने मल्टी टैलेंटेड बंदे यार ये। जोरदार तालियां युवराज जी के लिए। अच्छा पाजी मैं आपको अलग अलग फिल्मों में से ना हमारे जो बॉलीवुड के पुलिस वाले हैं उनके डायलॉग देता हूँ, आपका जो दिल करे। सरदारा पाजी आपसे शुरू करते हैं। अच्छा वांटेड सलमान खान है पाजी? हाँ जी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट करती उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो फिर किसकी सुनते? ओ साहब की। आपके लिए कि जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। हाँ। जब तक बैठने को ना कहा जाए। वो प्रवचन दे रहे हैं। हाँ जी। जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, जे तुम्हारे
अरे बोलना पूरा ही है, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। चलो एक फिर ट्राई कर दे। हाँ जी हाँ जी प्लीज। तो बता को हो जाएगा मान रखे। जब तक बैठने को ना कहा जाए साफ़ से खड़े रहो। अली बंद रखो। सीरियसली बंद रखो यार। जब तक बैठने को ना कहा जाए साफ़ से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। आकाश आपके लिए दबंग फिल्म से सलमान खान का डायलॉग। हम तुम्हें इतने शेद करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे सांस कहां से ले और पादे कहां से। अच्छा हमारा कैप्टन शरारती है तो इनसे कुछ रोमांटिक करवाते हैं। अगर कोई मेरी मोहतरमा बहन कोई आए कोई इनका साथ देने के लिए। जी प्लीज। पाजी ये तो कब से वेट कर रहा था। वही तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। मैं बोलूं पीछे पीछे आप करोगे? हाँ, आपका क्या नाम है? मोनिका। मोनिका मैं मनप्रीत आपके लिए डायलॉग बोलेंगे रोमांटिक। डायलॉग है कि तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। बाबू ने देख लिया ना। पर हाथ पकड़ के ऐसे नहीं। आपके चाचे का बेटा है तो लड़की है दोनों हाथ पकड़ के। दोनों हाथ पकड़ के बनती आंखों में आंखें डाल के। ओए होए। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां। तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां। तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां। तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां। नहीं भूलूंगा मैं। नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान। जब तक है जान। अच्छा ये हमें पता था मंत्री शरारती है करी लेगा। जो मेन ये जो चक्रव्यूह रचा गया था वो रचा गया था आकाश दीप के लिए। पजी बनदा ही है। पजी बनदा बन। पजी बनदा। आइए। अच्छा आपका दिल चाहे तो आप अपनी तरफ से भी कुछ कुछ बोल नहीं, सकते नहीं, आप बोलो आपके पीछे। अच्छा मैं पीछे पीछे ठीक है। हाथ हाथ पकड़ के। सॉरी मांगला भाई। अरे आकाश दोनों हाथ पकड़ के आंखों में आंखें डाल के मेरी तरफ नहीं देखना। मैं इधर ताकि आप मेरी तरफ भी देखें। मैं छुप जाता हूँ। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। भाई कपिल भाई आपको बोल रहा है। भाई आप ही कर लो। भाई आपका हाथ पकड़ के अच्छे से कर लेगा लग रहा है। भाजी और फील के साथ हमने नमकीन लस्सी नहीं ऑर्डर करनी। एक नमकीन लस्सी। मैं आपके पीछे आता हूँ। भाजी तुसी आपने उनकी आंखों में देखना है। ठीक है। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां। तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां। तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां। तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां। नहीं भूलूंगा मैं। नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान। जब तक है जान। अब जा मेरी माँ। थैंक यू मोनिका। हमारी टीम बहुत टैलेंटेड है। सिर्फ हॉकी नहीं जी जान से खेलते सब काम कर लेते हैं। भाजी हमारे जो दर्शक हैं हमेशा हम लोग हमारे जो भी मेहमान आते हैं उनसे उनकी बातचीत करवाते हैं। जो भी आपका दिल करे जो भी आप कहना चाहें पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जी सर मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। अच्छा राठौर यहाँ पे भी बरखा माहौल ही चल रहा है मुंबई में। बड़े सही टाइम पे आई हैं आप। यस बरखा क्या कहना चाहती हैं आप? मैं आकाश सर के साथ थोड़ा सा डांस करना चाहूंगी। बरखा सुपर आप आकाश ने इतना डांस कर लिया ना मतलब इससे बढ़ के। थैंक यू सो मच बरखा। आकाश ईपी चेक करवाना। जी और कोई हमारे दोस्त? यस हेलो कपिल शर्मा जी सर।
हेलो मेरा क्या नंबर नाम किसने लिया आज तक हेलो कपिल शर्मा जी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ सबके सामने मैंने हॉकी के बारे में जी एकांकी का तैयार किए क्या तैयार किया सभी को बताने वाला हूँ एकांकी अच्छा हाँ एकांकी का वक्रुत्व नहीं वो एकांकी बोलते ना उसको तो नहीं सर एकांकी पीछे क्या है अच्छा जी प्लीज आइए इधर यहाँ पे आइए आइए खेल खेल अच्छा खेल. कितने करैक्टर इसमें लड़के एक लड़का और एक लड़की एक लड़का और एक लड़की तो लड़के का लड़के के जैसे बोलो और लड़की का लड़की के जैसे थोड़ा एक्टिंग करके हैं ओके जी खेल खेल में खेलो साथी खेल खेल में खेल 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 में खेलो साथी खेल खेल में खेल क्या खेल खेल लगा के रखा है क्या है इस खेल में क्या खेल खेल कर रहे हो अरे आपको मालूम नहीं हम लोग खेल खेल रहे हैं कौन सा खेल अरे वो खेल आपको पता है हॉकी अभी अभी लड़की हॉकी खेलने आती है नहीं ऐसे कौन सी हॉकी खेलते भाजी अभी लड़की के हॉकी खेलने के बाद लड़की आगे जाते हैं लड़कों के बीच लड़की हॉकी खेलने के बाद लड़कों के बीच जाती है हाँ वो खेल खेलने के लिए खेल खेलने के लिए अरे ओ भाई मुझे भी खेल खेलना है ये कौन बोलता है लड़की पर लड़की तो ऑलरेडी खेल रही है ना तो वो हॉकी का खेल खेलती रहती है खेलने के बाद तो फिर लड़कों में जाते उनका मन तो लड़कों के साथ खेले अच्छा अरे ओ भाई मुझे भी खेल खेलना है आपके साथ अरे तू हमारे साथ खेल खेलेगी क्यों हंस रहे हो क्या लड़की लड़कों के साथ खेल नहीं सकती क्यों नहीं खेलेंगे हम खेलेंगे हम क्यों नहीं खेले फिर नेक्स्ट डायलॉग का है आज हमारे देश में लड़कियां ही ओलंपिक में जाकर जीत रही है अपना देश का नाम रोशन कर रही है लड़कियां ही आगे बढ़ रही है आओ शेखर इधर आओ ना इधर आ जाओ इधर आ जाओ बड़े प्यारे इंसान हो आप यार अरे गुदगुदी होती है शेखर तुम इतना सीरियस क्यों हो क्या करते हो शेखर आप मैं कॉलेज पढ़ता हूँ अच्छा और मुझे एक्टिंग की आवड है एक्टिंग करते हैं आप कॉलेज में हाँ करता हूँ तो कोई रोकता नहीं आपको जब आप करते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज थैंक यू सो मच जी और कोई हमारे दोस्त जी ब्रदर हेलो कपिल सर हेलो जी हेलो ऑल हॉकी टीम यू ऑल मेक अस प्राउड होल कंट्री प्राउड सो दैट्स व्हाई आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग हाँ जी गाना गाना चाहते हैं हम पहले इंग्लिश में बोलो जैसे पहले बोलो आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग फॉर होल व्हिच सॉन्ग यू वांट टू सिंग पाजी ओ पाजी ए जब कोई मेरे को मेरे जैसा दिख रहा मैं बड़ा हाथ खोलता उसके साथ व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग यू वांट टू सिंग इज इट फ्रॉम बॉलीवुड मूवी यस सर चक दे इंडिया से इन इंग्लिश सर दिस इज इंडिया इज अ इंग्लिश वर्ड पहले इंग्लिश क्यों बोली थी ओके लेट्स टॉक इन इंग्लिश सो व्हिच सॉन्ग इज योर फेवरेट सॉन्ग माय फेवरेट सॉन्ग इज चन्ना मेरिया एंड व्हाई यू वांट टू सिंग फ्रॉम चक दे मूवी सर बिकॉज़ ही हैज अ हॉकी टीम Whole hockey team, so that's why I want to sing. Because they are hockey team? Yes, sir. Okay. Can I start? Yeah, please. And there's a one shart. You have to sing this song in English only. So I can't as no as I can't sing it in English. Are you Chakda India ka gaana sunana chahte hain? Yes, sir. Kaun sa wala? Mola mein de lele mein de jao. Kyun? हमारे भाई जीत के आए हैं ऐसा गाना क्यों Why sad song? Come on bro, let me know why. So because I love it. I love this song. Okay. Any other reason? Nothing. Where are you from? Just from MP. Which part of MP? Panna. And what about Hira? So I want to sing a song. What do you do? So I'm a student. Okay, what are you studying? So I'm modern office management. Oh wow, it's interesting. Okay, modern. I mean, what is there in modern business management?
Sir, this is nothing, sir. I want to sing a song. Please. No, no, you know what? I just enjoying talking with you. But I'm not. now I'm enjoying more. May I sing? Yeah, you can sing. आप बड़े इंटरेस्टिंग हो. क्या नाम है आपका? शुभेन चौलसिया. शुभेन, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेन, बड़े मजेदार हैं आप. थैंक यू सर. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब. हेलो कपिल सर. सर मेरा नाम करण है, मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ. हम गुड़गांव से आए हैं. अच्छा. तो हम भी पंजाबी हैं, हमारी पूरी आज टीम भी पंजाब से है, तो हम इनके साथ एक भंगड़ा करना चाहते हैं. सारा गुड़गांव आपका गुड़ हिल रहा था पूरा ही. बहुत अच्छा डांस किया आप लोगों ने. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यहाँ देखिए इंडियन हॉकी टीम. ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है. हाय हाय हाय. नमस्ते 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 नमस्ते. मैं हूँ बंपर दीपप्रीत. झूठ की बोली तेरे ने. बंपर है दीपप्रीत कैसे लगा लिया तूने? नहीं, वो हॉकी के लिए लगाना पड़ता है. देखिए ना, आकाशदीप, रमनदीप, मनप्रीत, हरमनप्रीत लगाया नहीं ना, लगाना ही पड़ता है. वाह, आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हो रही है. क्या प्लेयर्स है आप. कोच सर, आपसे एक बात जानना चाह रही थी. मैं हॉकी में देखती हूँ कैसे खेलते हैं ना, पूरा मैंने एकदम गौर से देखा है, मेरे को समझ में आ गया पूरा गेम, मतलब ऐसे होता है ना. मुझे खाली एक बात जाननी है कि अपने जो गोलकीपर होते हैं वो हेलमेट क्यों पहनते हैं? कभी स्कूटर चलाते हुए तो देखा नहीं उन्हें. पर वो गोल रोकने के लिए है. हाँ, इस तरह गोल नहीं रुकता है. क्यों? मैं आपको बता रही हूँ, मेरे मम्मी पापा ने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं गोल हो ही गई. आपको पता है, सच तो ये कि ना सर, मेरे पापा का सपना था कि मेरी शादी ना किसी हॉकी प्लेयर से हो, लेकिन ऐसा हो ना पा सका. क्यों ना हो पा सका? वो क्योंकि मेरे पापा को किसी ने नींद से जगा दिया ना, तो सपना टूट गया. फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करती हूँ, तो मैं भी सोई. फिर लेकिन मुझे कोई सपना आया ही नहीं. मैंने कहा छोड़ो, सपना नहीं आ रहा तो भाड़ में जाए, सपना नींद तो पूरी कर ले. फिर मैं सोई लंबे टाइम तक, सोती रही. वैसे कैप्टन सर, आपसे एक और बात जानना था कि ये जो अपनी हॉकी स्टिक है, ये मेल है कि फीमेल? अगर लड़की पकड़े तो फीमेल है, अगर लड़का पकड़े तो मेल है. आपने ये बहुमूल्य बात बता के मेरी आंखें खुल दी. खुल गई ना, देखा. हम पर हॉकी के बारे में फालतू सवाल क्यों पूछ रही है? मैं फालतू सवाल नहीं पूछ रही हूँ. एक्चुअली क्या है ना सर, मैं आपको सच सच बताती हूँ. हो क्या रहा है कि मैं अपनी खुद का ना एक हॉकी टूर्नामेंट शुरू कर रही हूँ. इसका नाम है BPL, बंपर प्रीमियर लीग. और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी ना मेरे साथ इसमें पार्टिसिपेट करें. वो इंडिया की तरफ से खेलते, तुम्हारी तरफ से क्यों खेलेंगे? अरे तो मेरा कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, बहुत बड़ा है. आपको पता है हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन? सुनील शेट्टी. और ओपनिंग नाइट पे वो गाना भी गा रहे हैं, हाय हॉकी हाय हॉकी हाय 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 हॉकी हाय हॉकी हाय 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 हॉकी हाय हॉकी हाय 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 हॉकी हाय हॉकी हाय हाय. बंपर, बंपर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर मरीज मर रहा है. जाने वाले को कौन रोक सकता है? ऊपर वाला. खूबसूरत. अंदर पेशेंट का पेट खुला हुआ है. तो मैंने ही खोला है, उसने चीटिंग की मेरे साथ. पता है मुझसे कह रहा था कि बंपर मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया है. मैंने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं खोल के देखूंगा. मैंने खोल के देखा, उसका दिल उसी के पास था. चीटर झूठ बोलता है, मैं नहीं उसको बंद करने वाली. खुला पड़ा रहे उसको. बंपर तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल दूंगी. हाँ तो निकाल दो, वैसे भी हॉस्पिटल में मेरा कोई खास काम नहीं है. मेरा मेन काम यही है, मेरा फेवरेट फूड दही है. कपू शर्मा सही है? नहीं है. तू अभी तक यही है? कपू शर्मा. हाँ जी.
आपको पता है कि 29 फरवरी 4 साल में एक बार क्यों आता है? क्यों? क्योंकि हर साल वो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम बड़ी स्वीट नवंबर हो ना, जो सब तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम यहाँ पर बीच में घुस क्यों रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर हम हॉकी का अखिल भारतीय सम्मेलन चल रहा है हमारा। तुम्हारा हॉकी से क्या लेना देना है? नहीं, लेना मेरा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर तुम इस तरह बड़ 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 करती रही ना तो देना जरूर हो सकता है। ओह गॉड, धीरे धीरे, जरा मुझे टिकल भी होता है। हेलो, हाँ अच्छा, मैं आपसे आके मिलती हूँ ना, आप रुक जाइए रुक जाइए, मेरा थोड़ा जरूरी काम आ गया तो मुझे जाना होगा। ओके, लेकिन आप लोगों से मिलकर बेहद खुशी हुई मुझे। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।